जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूं वैष्णो देवी जी से भैरव घाटी जाने वाले रोपवे के बारे में। दोस्तों, रोपवे श्रद्धालुओं के सुखद और आरामदायक सफर के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा निर्मित करवाया गया है। रोपवे की सुविधा लेकर आप माँ वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी तक केवल कुछ ही मिनटों में पहुंच सकते हैं। रोपवे की टिकट 100 रुपए पर व्यक्ति है, जो कि 2 घंटे तक मान्य है, और इस टिकट को लेकर आप आना व जाना कर सकते हैं। रोपवे का समय गर्मियों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक होता है, और सर्दियों में रोपवे का समय 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक होता है। माँ भगवती जी के दर्शन करने के बाद आप प्रस्थान कीजिए रोपवे की तरफ। रोपवे में जाने के लिए आपको कुल 3 लाइनों में लगना पड़ता है। पहली लाइन में लगकर आप सबसे पहले टिकट काउंटर खाली होने का वेट करेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ, भैरव घाटी अगर आप ट्रॉली से जाना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज फेयर पे करना पड़ता है पर पर्सन, जिसकी वैलिडिटी होती है 2 आवर्स की, और उसके लिए और जो 100 रुपीज आप पे करते हो वो दोनों साइड का होता है, अप एंड डाउन बोथ। और इधर आप माता रानी जी का पावन भवन, जितना मर्जी देखते रहो आंखें थकती नहीं है, आंखें थकती नहीं है और दिल भरता नहीं है, बस ऐसी लीला है माता रानी जी की। बोलो शेरा वाली मैया की जय। और इधर है श्रद्धालुओं की संख्या, देख सकते हैं इस टाइम आप रोपवे में। जैसे ही टिकट काउंटर पर भीड़ कम होगी तभी आपकी लाइन को आगे बढ़ाया जाएगा। पहली लाइन से निकलकर आप पहुंचेंगे कैबिन में, जहां पर आपको अपने लिए रोपवे की टिकट लेनी पड़ेगी और आपको दूसरी लाइन में शिफ्ट किया जाएगा। एक व्यक्ति केवल 2 ही टिकट ले सकता है और 2 टिकट से ज्यादा एक व्यक्ति को नहीं दी जाती है। दोस्तों, टिकट मिल गई है, और अगर आपका कोई जान पहचान वाला बंदा अभी लाइन में ही होता है तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं, वेटिंग हॉल बनाया गया है, बट हम दोनों साथ में तो हम जल्दी से निकलेंगे रोपवे की लाइन के लिए। टिकट लेने के पश्चात आप बढ़ेंगे तीसरी लाइन की तरफ, जहां पर आपको लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। रोपवे में जाने से पहले तीसरी लाइन में आपकी चेकिंग की जाएगी। यदि आपके पास कोई भी नुकीली या तेजधार चीज मिलती है तो उसे वहीं पर डिपॉजिट कर लिया जाता है, क्योंकि आप रोपवे में कोई भी हानिकारक चीज नहीं ले जा सकते हैं। जब आपने भैरव घाटी से भवन के लिए आना होता है ट्रॉली में, फिर भी आपको ये टिकट दिखानी पड़ती है, तो मेक श्योर आप ये टिकट जब लेते हैं तो इसको संभाल के रखें, इसको गुम मत कीजिए। चेकिंग करवाने के बाद आप बढ़ेंगे रोपवे की तरफ, जहां पर रोपवे में एक समय पर कुल 40 से 45 लोगों का ग्रुप ही भेजा जाता है। रोपवे में सवार होकर आप घाटी के बहुत ही खूबसूरत नजारे लेते हुए पहुंचेंगे भैरव घाटी। और साथ में ही आपको सूचित करना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कोई भी बुजुर्ग या कोई भी विकलांग व्यक्ति है तो उनके लिए रोपवे में बैठने की सुविधा भी उपलब्ध है। भैरव घाटी पहुंचकर आप भैरव बाबा के दर्शन कीजिए। मंदिर में आप भैरव बाबा और हनुमान जी के दर्शन एक साथ कर पाएंगे। दोस्तों, भैरव बाबा जी के दर्शन कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया वाले दर्शन हो गए हमें। श्रद्धालु देख सकते हैं आप, और ये सामने बड़ी स्क्रीन देख सकते हैं जहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं, और सामने भैरवनाथ जी का मंदिर देख सकते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं रोपवे से होकर सीधा भवन पर, और हम अब आपको भवन पे जाके कनेक्ट करेंगे। कमेंट सेक्शन में लिखे भैरव बाबा की जय, और जय माता दी भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। मिलते हैं अब आपसे भवन पे पहुँच कर। और फिर आप दर्शन करने के पश्चात रोपवे की तरफ बढ़िए। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जो टिकट आपको आते समय दी जाती है आपको उस टिकट को संभाल कर रखना होगा, ताकि जब आप रोपवे में वापस जाए तो इस टिकट को दिखाकर आप रोपवे में चढ़ सकते हैं। रोपवे की अवधि कुल 2 घंटे है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप रोपवे के माध्यम से माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर वापस आ जाएं। जय माता दी, भैरव महाराज की जय।
माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलते रहना, जय माता दी, आगे वाले, जय माता दी, पीछे वाले, जय माता दी, भैरो बाबा, जय माता दी, अर्ध कुंवारी, जय माता दी, बाल के प्यारी, जय माता दी, पाण गंगा, जय माता दी, पानी चंगा, जय माता दी, जय कराए शरावरी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आशा करता हूँ कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उत्पन्न हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।